हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप हर कोई जानते हैं, रिसेंटली आप लोगों का 17, 18, 19 एंड 20 लगातार चार दिन WBCS का मेंस का एग्जाम हुआ 2018 का। तो ये चार दिन में आपके टाइम स्पीड रिलेटेड होते हैं, 3 आवर्स का पर एग्जाम होता है, यानी कि आपके चार दिन में 3 आवर्स एंड 3 आवर्स करके दो हाफ में एग्जाम होता है एंड 2 घंटे का आपका बीच में ब्रेक मिलता है। तो 9 से 12 बजे तक एक एग्जाम था, देन 2 घंटे का ब्रेक 12 से 2 बजे तक, देन 2 से 5 बजे तक एक एग्जाम था। तो टोटल आपके 8 एग्जाम हुए थे। तो फर्स्ट एग्जाम आपका लैंग्वेज पेपर होता है। फर्स्ट पहला दिन हम जब गए तो 17 अगस्त में आप लोग का फर्स्ट एग्जाम लैंग्वेज पेपर हुआ था। तो बंगाली जिसका था वो लोग ने बंगाली लिया था, बट मेरा हिंदी था, तो ये हिंदी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज था मेरा। एंड इसमें क्या है, देखिए वीडियो अगर हिल भी रहे तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं आप लोग को ये क्वेश्चन PDF में अपलोड कर दूंगा। ये नीचे लिंक में दिया हुआ है, देखिए वहां से आप लोग PDF में डाउनलोड कर सकते हैं A to Z क्वेश्चंस विद। इसका मैं ऑप्शनल भी एक दिया है, जो मेरा ऑप्शनल था वही मैंने आप लोगों को दिया है। आप लोगों को मैं और भी जितने सारे ऑप्शनल हैं मैं कलेक्ट करूंगा, देन लेटर ऑन कल तक मैं आप लोगों को मैक्सिमम ऑप्शनल्स अपलोड कर दूंगा। बट उर्दू नहीं होगा, क्योंकि इस बार उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर था वो रिपीट हो गया था, इसलिए उर्दू का एग्जाम अगेन रिपीट होगा। तो ये है आप लोग का फर्स्ट, 17 अगस्त में हम लोग जब एंटर किए, 17 अगस्त में हम लोग का फर्स्ट पेपर हुआ था, पेपर 1, जो है हम लोग का लैंग्वेज पेपर, जो मेरा हिंदी का था। तो ये है आप लोग का हिंदी का पेपर। एंड हिंदी के पेपर में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस थे, तो सब 40-40 के थे, 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था। तो 40-40 में से आप लोग को यहाँ पे जैसे है लेटर राइटिंग लिखना था, देन ड्राफ्ट करना था, देन मतलब आपको रिपोर्ट लिखना था, देन आपको प्रिसाइज लिखना था, देन कंपोजिशन, मैंने कि एक भ्रष्टाचार के ऊपर आया था, करप्शन के ऊपर आपको कंपोजिशन करना था, एंड आपको एक ट्रांसलेशन करना था। ट्रांसलेशन क्या है, जैसे यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन हर किसी का एक सेम ही है, बंगाली में भी सेम ही होता है, हिंदी में भी सेम होता है, इंग्लिश में भी सेम होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जिसका हिंदी था वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, जिसका बंगाली था वो बंगाली में ट्रांसलेट करेगा। क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर है, नहीं, मैंने PDF में आप लोग को बंगाली का क्वेश्चन पेपर भी दे दिया है। तो यही 5 क्वेश्चन थे, सब 40-40 मार्क्स के थे। तो फर्स्ट हाफ में आपका 200 मार्क्स क्लियर हो गया, देन नेक्स्ट हाफ आपका फिर 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हाफ पेपर 1, देन 2 घंटे का ब्रेक दिया, देन लास्ट आपका आता है नेक्स्ट, अब आया आप लोग का पेपर 2। ये पेपर 2 क्या था आप लोग का, अब ये इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश के पेपर में अगेन आप लोगों का 5 क्वेश्चन थे, सब 40-40 मार्क्स के थे, 40 × 5 = 200, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन था। हर एक पार्ट आप लोग का 200-200 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आप लोग कंफ्यूजन मत खाइए। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग का वही अगेन सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आप लोग को लेटर लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, एक कंपोजिशन लिखना पड़ेगा, प्रिसाइज लिखना पड़ेगा, मतलब जिसे समरी हम बोलते हैं हिंदी में, सारांश बोला जाता है, तो वही हम लोग लिखना पड़ेगा। देन आप लोगों का क्या आया था, लास्ट एक ट्रांसलेशन आया था। अब ये ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, जिनका बंगाली था वो लोग को एक ही पेज, ये ओनली ये वाला पेपर मिला था, एक ही पेज मिला था, देखिए ये वाला पेपर, जिन लोगों का बंगाली था, बंगाली में आप लोग इसमें से आप लोग को ट्रांसलेट करना था। अब क्या है यहाँ पे, ये जिन लोग का बंगाली था वो लोग ने बंगाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बट जिनका बंगाली नहीं था, जैसे कि मेरा हिंदी था, तो उसमें क्या है आप लोग को अलग सा पेपर मांगना पड़ेगा, वहां से आप लोग को क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली दे भी देंगे, अगर नहीं दिया तो उनसे बोलना पड़ेगा मैम मेरा ऑप्शनल अलग है। तो आप लोग को हिंदी ऑप्शनल मिल जाएगा, ऑप्शनल हम कि हमारे 4 लैंग्वेज में हम एग्जाम दे सकते हैं, एक बंगाली, एक हिंदी, उर्दू एंड नेपाली में दे सकते हैं। तो बंगाली का ये हो गया, ये हिंदी का है, नेक्स्ट चेंज किए, ये नेपाली का है, ये आपका उर्दू का है, एंड ये हो गया आपके कंप्लीट 4 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे क्या था, मेरा हिंदी था इसलिए मेरे को अलग सा शीट दिया गया, तो अलग से शीट में से यहाँ पे आप लोग का हिंदी का जो ये लैंग्वेज पेपर था, लैंग्वेज पेपर को हम लोग का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। क्वेश्चन पेपर एक ही है, क्वेश्चन पेपर डिफरेंट नहीं है, बट क्या है डिफरेंस क्या है, जो बंगाली था वो बंगाली एक ही पेज में मिल गया उन लोगों को, बट जो हिंदी था उन लोगों को अलग सा लेना पड़ा था। ये हो गया आपका पेपर 2। पेपर 2 भी 200 मार्क्स का, टोटल मार्क्स कंप्लीट कैरी हो गए यहाँ पे कितने, 400। अब आया आप लोग का नेक्स्ट दिन यानी कि 18 अगस्त। 18 अगस्त में क्या हुआ हम लोग का, पेपर 3। पेपर 3 क्या है हम लोग का, पेपर 3 है हम लोग का, 2 सब्जेक्ट मिला गया हर, अब पेपर 3 में आप लोग का 2 सब्जेक्ट क्या क्या थे, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में आपके टोटल 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 100 क्वेश्चन जियोग्राफी के थे।
यहाँ पे मैं ऐसी आप लोगों को टर्न मार के दिखा दे रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा था मेरे कितने करेक्ट हुए कितने गलत हुए। तो जो भी है आप लोग का पेपर 3 किया था नेक्स्ट दिन में, फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट दिन में आप लोग को 9 से 12 बजे तक था एग्जाम, वो 200 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का जियोग्राफी था एंड 100 मार्क्स का आप लोग का ये हिस्ट्री का था। तो टोटल कितने हो गए आप लोग का 200 मार्क्स। तो यहाँ पे 200 मार्क्स कंप्लीट, तो ये हो गया आप लोग का पेपर 3। अब 400 पहले था, ये आपका चला गया 200 मार्क्स, यानी कि 600 मार्क्स कंप्लीट। अब हो गया 18 तारीख को ही सेकेंड हाफ में हो गया था आप लोग का पेपर 4। पेपर 4 क्या था हम लोग का 18 तारीख को, 18 तारीख को सेकेंड हाफ, यानी कि जो आप लोग का 2 बजे से 5 बजे तक चला था, ये था हम लोग का साइंस एंड करंट अफेयर्स का था। साइंस एंड करंट अफेयर्स बेस्ड था, साइंस में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, केमिस्ट्री एज यूजुअल ज़्यादा ही आता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के आप लोग का 100 मार्क्स का था एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स ये सब मिला के 100 मार्क्स का। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता नहीं है, तो ये टोटल आप लोग का 200 मार्क्स का था। तो टोटल हम लोग का अब सेकेंड दिन भी कंप्लीट हो गया, तो सेकेंड दिन में हम लोग को कितना चला गया, अब 600 पहले था, अब ये 200 चला गया, 800 का मार्क्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गया हम थर्ड दिन, थर्ड दिन में आ रहे हैं। थर्ड दिन में क्या कौन सा एग्जाम था, थर्ड दिन में फर्स्ट हम लोग का जो एग्जाम था वो मेनली हम लोग का क्या था, पॉलिटी एंड हम लोग का आरबीआई जो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में मेनली रिलेटेड आपका आरबीआई आया था। तो हम लोग का थर्ड दिन का फर्स्ट पेपर था पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स भी अगेन आप लोग का 200 मार्क्स का होता है, पॉलिटी आपका 100 मार्क्स का होता है, इकोनॉमिक्स का 100 मार्क्स का होता है, टोटल मिला आपका आपका 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे पॉलिटी थोड़ा सा इजी आया था, बट एज कम्पेयर टू पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऐसी हार्ड आता है। तो ये आप लोग का हो गया 200 मार्क्स। तो टोटल हम लोग का वहाँ पे 800 था, यहाँ पे अगेन 200 जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 1000। लास्ट आप लोग का आता है अब पेपर 4। पेपर 4 क्या था, थर्ड दिन का पेपर 4 बोल रहा हूँ, सॉरी ये पेपर 6। तो ये थर्ड दिन का आप लोग का लास्ट पेपर था, तो लास्ट पेपर ये पेपर 6 क्या था हम लोग का, करंट मैथ्स एंड रीजनिंग था। मैथ्स एंड रीजनिंग में अब क्या करना है आप लोग का, मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, मैथ्स आप लोग का 100 मार्क्स का था, रीजनिंग आपका 100 मार्क्स का था। एज कम्पेयर टू मैथ्स आप लोग का रीजनिंग ईजी था, बट इस बार मैथ्स आई थिंक, मैं ही नहीं सोच रहा, हर कोई बोल रहा है यहाँ पे, इस बार का मैथ्स WSS का टफेस्ट लेवल ऑफ मैथ्स आया था। फिर भी क्या था, अटेम्प्टेबल था, ईजी था, आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी है मैं आप लोग को PDF दे दूंगा, ये कोई डिस्प्यूट में नहीं जा रहा। यहाँ पे आप लोग का हो गया पेपर 6 कम्प्लीट, पेपर 6 भी आप लोग का 200 मार्क्स। तो हम लोग को टोटल कितना हो गया, अब टोटल हो गया हम लोग को पहले था 1 2 3 4 5 6 1200 मार्क्स। तो हम लोग का क्या हो गया, अब जिन्होंने ऑप्शनल नहीं दिया है वो ऑप्शनल छोड़ के हम लोग का 1200 मार्क्स। अब 1200 मार्क्स कौन लोग देंगे, जो सी एंड डी के लिए। अब ये 3 दिन का एग्जाम देके आप चले भी जा सकते हैं, अगर आपने ऑप्शनल भरा है नहीं देना चाहते नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आप चले जा सकते हैं। बट क्या है, आपको अगर ग्रुप ए एंड बी के लिए एलिजिबल होना है तो आपको ऑप्शनल देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 4th डे का एग्जाम। 4th डे का एग्जाम भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड था, पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड था। ये 4th दिन जो लास्ट दिन था 20th, तो ये पेपर 1 आपका एंथ्रोपोलॉजी था एंड पेपर 2 भी आपका एंथ्रोपोलॉजी होगा, कि ये मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, जिसका हिस्ट्री होगा हिस्ट्री होगा, जिसका पॉलिटी होगा पॉलिटी होगा, जिसका साइंस होगा साइंस होगा, ऐसे सब हर किसी का आपका स्टिपुलेटेड है, अलग अलग है। ये आप लोग का ऑप्शनल, जब आप लोग फॉर्म भरोगे तब आपको ऑप्शनल चूज करने को मिल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे आप लोग को मार्क्स ऑब्टेनिंग है, बहुत इजी इसका सिलेबस होता है, विद इन 1 मंथ सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका फर्स्ट पेपर जो हुआ लास्ट दिन में वो ऑप्शनल का हुआ, ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था, तो एंथ्रोपोलॉजी का फर्स्ट पेपर का आपका डिवाइड होता है ग्रुप ए बी एंड सी में। तो ग्रुप ए आपका 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन में से आपको 3 अटेम्प्ट करने थे, देन ग्रुप बी भी आपका 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने थे, एंड ग्रुप सी में आपके शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ते हैं, ऐसे करके आता है हर ऑप्शनल, ऐसे करके आता है, एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है। तो यही आप लोगों का टोटल कितना हो गया, ये 90 का था, हर क्वेश्चन आपका 30 30 मार्क्स का था, 30 30 30 30। तो आपको इन 4 में से कोई 3 करना था, तो ये 90 का था, या भी ये 90 का था, 90 90 180, एंड यहाँ पे आपको 10 10 मार्क्स के 2 करने थे। तो कितना हो गया आप लोग का, यहाँ पे टोटल हो गया 200। तो ऑप्शनल आपका यहाँ पे चला गया 200। नेक्स्ट हाफ में आपका एग्जाम हुआ, नेक्स्ट हाफ में एग्जाम हुआ ये अगेन ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, ये आपका ग्रुप ए बी में डिवाइड था। ग्रुप ए में आपका अगेन ये
टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके शॉर्ट नोट एक अलग सा, इसको ग्रुप में डिवाइड नहीं किया हुआ था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, 3 क्वेश्चन आप जो भी करेंगे करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 40-40 मार्क्स के थे, 120। एंड अगेन यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन थे जो आपके दो दो अटेम्प्ट करने थे, तो 40-40 यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे आपका क्या है जो शॉर्ट नोट लिखना था किसी दो के ऊपर लिखना था, दोनों 20-20 मार्क्स का था, तो टोटल आपका कितना हो गया 200 मार्क्स। तो ऑप्शनल हम लोग कितना होता है 400 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। ये 400 मार्क्स का ऑप्शनल तब वही लोग देते हैं जिनको ए एंड बी के लिए एलिजिबल होना है। अगर ए एंड बी के लिए आपको एग्जाम नहीं देना तो नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल नहीं भी दे सकते हैं। ओनली जस्ट ये जो कंपल्सरी पेपर्स थे ये कंपल्सरी पेपर आप देके घर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही आपका टोटल WBCS 2018 के क्वेश्चन पेपर्स थे। एंड डोंट वरी कि मैंने वीडियो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे क्या आप लोग को मैंने जस्ट एनालिसिस दिया है। आप लोग को ये वीडियो में नीचे जो लिंक है उसमें आप वीडियो में PDF डाउनलोड कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर का। सॉल्यूशन में टाइम लगेगा क्योंकि कल ईद है, तो उसके लिए ईद मुबारक एवरी वन, हर किसी को। देन आपको ईद के बाद में ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, थैंक यू।